हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, डीजे सर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे की बातें कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंतर्गत काफी कुछ पढ़ लिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, किसको पढ़ रहे थे, देख पा रहे हैं कि क्या देख पा रहे हैं भाई, हम देख पा रहे हैं सम्राट अशोक को। किसको देख पा रहे हैं, सम्राट अशोक का फोटो लगा हुआ है आपके पीछे। किसके, मेरे पीछे जो फोटो लगा हुआ है, ये डॉन भाई का, अर्थात बहुत खतरनाक आदमी हुआ। और इस महान अशोक के बारे में पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले सबको पता चल जाए। चलिएगा बात करते हैं किसकी भाई, सम्राट अशोक की बात कर रहे थे। सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि इसका जो शासन काल माना जाता है, कौन अशोक की बात कर रहे थे, इसका शासन काल माना जाता है दोस्तों 73 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। ये देख लिया था अपन ने कल क्लास में, लास्ट क्लास में देखिएगा। सम्राट अशोक की बात करें तो मेरे दोस्तों यहाँ पर हमने क्या क्या देखा था, इसकी जनरल डिटेल देखी थी, इसका पिता कौन थे बिंदुसार, माता कौन थी भाई सुभद्रांगी, क्या था इसकी माता का नाम सुभद्रांगी, या जनपद कल्याणी भी कहा जाता है, धम्मा कहा जाता है जिसे, क्या कहा जाता है भाई, धम्मा कहा जाता है, वन देवी भी इसी को कहा जाता है। किसको, इसकी माता को, किसको भाई, अर्थात सम्राट अशोक की माता को सुभद्रांगी कहा जाता, वन देवी कहा जाता, जनपद कल्याणी कहा जाता। ये सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, अलग अलग माताएं है, नहीं है ठीक है। चलिए और देखें, तो यहां पर सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार दीप वंश, महावंश और महाबोधि वंश, ठीक है, इन तीनों ग्रंथों के अनुसार अशोक ने अपने जीवन में जो राजा बना, राजा बनने के बाद कहा जाता 4 वर्षों तक संघर्ष किया, और किससे संघर्ष किया, उत्तराधिकारी संघर्ष, क्या किया भाई, उत्तराधिकारी संघर्ष किया, और अपना विधिवत राज्याभिषेक जो करवाने का कार्य 269 ईसा पूर्व में करवाया। अर्थात 4 वर्षों में ये अपने भाइयों से लड़ता रहा, और भाइयों से लड़ने के बाद अंत में 99 भाइयों को, कितने 99 भाइयों को मार कर, ये कहाँ का शासक बनता है भाई, मगध का शासक या मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है, किसका शासक बनता है, मौर्य साम्राज्य का शासक बनता है। अब बात करते, देखिए ये अपने 99 भाइयों को मारकर शासक बना। और क्या देखा था हमने इसके बारे में, इसका सबसे बड़ा भाई सुसीम था, क्या था, सुसीम था, जिसको आपको पता है तक्षशिला विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने भेजा था। पहले विद्रोह में अशोक को भेजा था, दूसरे में सुसेन को भेजा था, और दूसरे में ये असफल भी हुआ था। पर दोस्तों अब कंडीशन क्या है, यहां पर अशोक और कहा जाता है तिश्य एक ही माँ के बेटे थे, किसके बेटे थे, एक ही माँ के बेटे थे, एक ही माँ के बेटे थे प्यारे दोस्तों। इस कारण कहा जाता है कि अपने ही पुत्र, अपने ही भाई को, तिश्य को जिंदा रखता है बाकी सबको मार देता है, अपने सगे भाई को जिंदा रखता है बाकी सबको मार देता है, कौन, अशोक, और अशोक मार देता है तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों। देखिए ये सारी चीजें मैंने वैसे लिख रखी है, आपको देखने की जरूरत है। ये प्रारंभिक समय में क्या, चंडाशोक क्या कहलाता था भाई, चंडाशोक कहलाता था, प्रारंभ में चंडाशोक कहलाता, कामाशोक कहलाता, चंडाशोक कहा जाता पहले दोस्तों। इसने एक नरक की स्थापना कर रखी थी अपने साम्राज्य में, क्या बना रखा, नरक की स्थापना कर रखी थी। क्या, चंडाशोक क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि कहा जाता है कि इसने, किसने, अशोक ने क्या, एक नरक की स्थापना कर रखी थी, क्या बना रखा था, एक नरक बना रखा था, इस तरीके का एक जो क्षेत्र था यहां पर, इसमें क्या था, ये नरक, क्या था, नरक बना रखा था। और ये नरक क्या था पैर दोस्तों, यहां पर कई सारे व्यक्तियों को तलवार की घात करके मार दिया जाता था, किसी को अलग अलग तरीके से मारा जाता, कई प्रकार से उनको मृत्यु दंड दिया जाता इस नरक में। मैं इस नरक नामक स्थान पर अर्थात एक घर बना रखा था, एक वो बना रखा था, और जहां पर कहा जाता है इस महल में क्या किया जाता है, इसको नरक बना रखा था, जिसमें अलग अलग प्रकार से ये तड़पता तड़पता देखकर, उनको देख देख कर ये खुश हुआ करता था, अर्थात मरते हुए व्यक्तियों को देख देख कर ये खुश होता था। इस कारण इसे चंडाशोक कहा गया, क्या कहा गया भाई, चंडाशोक कहा गया, याद रखिएगा, क्या कहा गया था, चंडाशोक कहा गया था। कामाशोक, कामाशोक भी इसे कहा जाता है, कामाशोक क्यों कहा जाता है, इसने प्रारंभिक जीवन में कई सारे विवाह किए, क्या, कई सारे विवाह किए, और कई सारे विवाह करने के बाद बहुत सारी औलादे पैदा हुई इसके, कई सारे, अब विवाह किए तो उनसे कई सारी औलादे, पहले तो
अब आपको पता है कि ऑपरेशन ऑपरेशन का सिस्टम भी नहीं था, नसबंदी का सिस्टम भी नहीं था, वहां तो क्या था डायरेक्ट, ठीक है, पैदा हुआ करते थे प्यारे दोस्तों। अब कंडीशन कहा जाता है, इस कारण इसे कामा शोक भी कहा जाता है। समझ में आ गया। अशोक ने कश कश क्षेत्र पर अधिकार, सबसे पहले कश क्षेत्र पर आक्रमण किया था और कश क्षेत्र को जीत लिया, उसके बाद नेपाल को जीता, अर्थात नेपाल को जीता और उसके पश्चात कहा जाता है ये तराई क्षेत्र वाला, नेपाल का तराई क्षेत्र है, इसमें भी विजय प्राप्त की थी। किसने की थी भाई? किसने की थी? अशोक ने। ये चंडा अशोक क्यों कहते हैं? 500 रानियों को मौत के घाट उतार दिया था, ये मौत के घाट उतारा, यहाँ पर 500 रानियों को क्या मार दिया था इसने, ये अशोक होने, ये अशोक, और ये किसको, यहाँ रानियों को, ठीक है, मैंने बताया था नरक की स्थापना कर रखी थी, तो रानियों को मारता है, और ये नरक था, इस नरक में चले गए। आगे बात करते हैं, कलिंग के युद्ध की बात करते हैं। किसकी युद्ध की बात करते हैं भाई? कलिंग के युद्ध की बात करें। कलिंग के युद्ध के बारे में कहा जाता है साथियों कि यहाँ पर जो कलिंग का युद्ध हुआ था, ये इसकी तिथि विधिवत कहा जाता है कि इसकी जो तिथि है, ये इसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था, लगभग 261 ईसा पूर्व। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में कहा जाता है अशोक ने स्वयं 13वें अभिलेख में, इसका जो अभिलेख है 13वां अभिलेख, उसमें उल्लेख किया है, कौन से युद्ध का? कलिंग के युद्ध का उल्लेख किया है, ठीक है। और क्या बात करें भाई, यहां पर देखिएगा, ये इसके जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। क्या? इसके जीवन का अंतिम युद्ध माना जाता है। ये हाथी गुंपा अभिलेख के अनुसार यहाँ का जो राजा था उसे क्या कहा? नंदराज। यहाँ का राजा कौन बताया? नंदराज को यहाँ का राजा बताया गया। ऐसा उल्लेख कहाँ पर है? हाथी गुंपा अभिलेख में। कौन से अभिलेख में भी? हाथी गुंपा अभिलेख में ऐसी जानकारी हमें मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है भाई? यहाँ की भाई, यहाँ का शासक कौन हुआ करता था, ये जानकारी हमें मिलती है। समझ में आ गया। भेरी घोष के स्थान पर, अर्थात रणघोष, या रणघोष भी कह सकते हैं या भेरी घोष भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? और रणघोष, क्या कह सकते हैं भाई? रणघोष, ये ध्यान रखना, इसको भेरी घोष या रणघोष, रणघोष, ठीक है, रणघोष या भेरी घोष के स्थान पर ये किसका प्रयोग करता है भाई? ये प्रयोग करता है किसका? धम्म घोष का, अर्थात धर्म, धर्म के मार्ग पर चलने लग जाता है। क्यों चलने लग जाता है प्यारे दोस्तों? ऐसा अभी करेंगे थोड़ी कुछ समय पश्चात, इसका साम्राज्य अब करते हैं। देखिए, इस कलिंग के युद्ध में, इस कलिंग के युद्ध में कहा जाता है कि इसने रणघोष के स्थान पर भेरी घोष का पालन किया था। और क्या होता है भाई, जहां पर ये क्या करता है, जहां पर लगभग 2.5 लाख आदमी मारे गए थे, इतने 2.5 लाख, 2,50,000 व्यक्ति मारे गए थे इस युद्ध में। और इस युद्ध में इतने लोगों को मारा हुआ देख कई कई सारे चिल्ला रहे थे, चारों ओर से चिल्लाने की चीखने की आवाजें आ रही थी। और ऐसी आवाजें सुनकर कहा जाता है प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन होती है, उन्हीं के बीच में एक बालक है ना, आवाजों के बीच में ये कौन? अशोक। अशोक क्या करता है, लाशों के ढेर पे चढ़कर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, आहाकार कर रहा था, हंस रहा था अपने सैनिकों के साथ। और सैनिकों के साथ कहा जाता है कि इस ढेर पर, लाशों के ढेर पर चढ़कर, और तभी एक छोटा सा बालक, लगभग 8 से 10 साल का बालक खड़ा होता है वहां, और इसके अभिमान को तोड़ता है। किस तरीके से तोड़ता है कि तू साले साले कायर व्यक्ति, लड़के मैं अभी जिंदा हूं कि तू पूरी तरह जीता नहीं है, कि मैं जिंदा हूं मेरे से लड़। और ये तलवार लेके खड़ा हो जाता है, छोटा सा कौन हो जाता है? तलवार लेके छोटा सा बालक खड़ा हो जाता है। और खड़ा हो जाने के पश्चात ये छोटा सा बालक, इधर ये, इधर अशोक खड़ा है। कौन खड़ा है भाई? ये अशोक के हाथ में एक बड़ी सी तलवार, क्या? और इधर ये छोटा सा बालक, कौन भाई? छोटा सा बालक, और जिसके हाथ में एक तलवार थी, क्या थी भाई? तलवार थी ये छोटा सा बालक, ठीक है। और इधर ये अशोक, और इसके हाथ में बड़ी बाहर तलवार, के हाथ में बड़ी सी तलवार। अब ये छोटा सा बालक इस अशोक की आंखों में आंखें डाल के कहता है कि कायर साले, कि तूने विजय प्राप्त नहीं की, ये नरसंहार किया है, और जिस प्रकार से तूने व्यक्तियों को मारा है, निहत्ते व्यक्तियों को मारा है, जिसको खुशी मना रहा है, क्या है तेरे माँ बाप नहीं है तेरे, अर्थात ये तो पहले से 99 भाइयों को मारकर राजा बना था, उसको डर किसका? लाशों से खेलता था, उधर नरक बना रखा था, 500 महिलाओं को कटवा दिया था। इस तरीके के कांड तो उसके हमेशा ही रहे, इस कारण इसे चंडाशोक कहा जाता। क्या कहा जाता भाई? चंडाशोक कहा जाता। तो उसको डर तो लगता ही नहीं, लेकिन कहा जाता प्यारे दोस्तों इस बच्चे के कारण, इस बच्चे के कारण, इस बच्चे ने इसको अच्छी भली सुनाई, और सुनाने के पश्चात कहा जाता है इसको दया आती है,
ठीक ही नहीं सुन रहा था। आसपास जो महिलाएं चीख रही है, चिल्ला रही है, अपने परिवार वालों के लिए चिल्ला रही है, कोई का बच्चा उजड़ गया, अर्थात किसी का तो बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का जो संरक्षक था वो मर गया, अर्थात इस ये तेरे को नहीं दिख रहा और तू यहाँ खुशी मना रहा है। सारी चीजें सामने आंखें खोल देता है ये बालक, किसकी, किस अशोक की आंखें खोल देता है, किसके, अशोक की कौन आंखें खोल देता है, ये बालक कौन, ये बालक इस अशोक की आंखें खोलता है, और अशोक की आंखें खोल देने के पश्चात इसको होश आता है, और होश आने के पश्चात इसके अपने आप जो हाथ में तलवार लेके हा हा करके हंस रहा था, अपने आप तलवार से हाथ हाथ से तलवार छूट जाती और कांपने लग जाता है ये इसके सामने, बालक के सामने मेरे घोर अपराध कर। और तभी ये कहता है, क्या कहता है, इसी कारण ये धम्भ घोष के स्थान पर, कौन से, रण घोष के स्थान पर भेरी घोष को अपना, धम्भ को अपनाता इसको, या भेरी घोष के स्थान पर धम्भ घोष को अपनाता है इसी बालक के कारण पर, तो इसके जीवन का ये अंतिम युद्ध कहता है, और इसी कारण कहा जाता है कि बाद में युद्ध ही नहीं लड़ता, ठीक है, बाद में युद्ध नहीं लड़ता। और क्या क्या काम करता है देखिएगा, अब आगे बात करते हैं कलिंग के बाद भी चर्चाएं करते हैं। इसके बाद हमने देखा था इसका साम्राज्य, क्या देखा था भाई, इसका साम्राज्य ये दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ, मथुरा वाला पूरा क्षेत्र, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह, ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह, सुनिए प्यारे दोस्तों, व्यापार की दृष्टि से, किस दृष्टि से, उस जनमाने में व्यापार की दृष्टि से, कौन से, व्यापार की दृष्टि से, व्यापार के लिए, के लिए सबसे महत्वपूर्ण था, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, महत्व महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह, जो उस समय में कहां पर, बंगाल में पढ़ा करता था मेरे दोस्तों, कहां पढ़ता था वही, बंगाल में पढ़ता था, ताम्रलिप्ति ये बंदरगाह है, क्या है ये बंदरगाह, क्या है ये बंदरगाह हुआ करता था, क्या हुआ करता था भाई, ताम्रलिप्ति बंदरगाह हुआ करता था, याद रखना। बेटा ये बंदरगाह था, क्या था, चलिए क्या था, बंदरगाह, और जब ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार करना प्रारंभ किया था, इसके बाद ये बौद्ध धर्म अपना, प्रारंभिक समय में ये कौन से धर्म का अनुयायी रहता है, ठीक है भाई, सॉरी भाई थोड़ा सा शारीरिक प्रॉब्लम, चलिए तो ये बात करते हैं, एक दो चीजें और देखते हैं इसकी संबंधित, और चीजें क्या देखते हैं भाई, यहां पर देख लेते हैं, चलिएगा यहां पर देखते हैं प्यारे दोस्तों क्या कंडीशन है। अब इसकी जानकारी, किसकी जानकारी, रणघोष की या धम्भ घोष या भेरी घोष की जानकारी जो देने का कार्य करता है, कौन देता है भाई, यहाँ पर देता है। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें किससे मिलती है भाई, जहां से देखिए अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से धम्भ घोष का उल्लेख मिलता है, का उल्लेख मिलता है, धम्भ घोष का उल्लेख मिलता है, किसका, तो अशोक के, किसके, अशोक के दूसरे व सातवें, हाँ दूसरे व सातवें अभिलेख, अभिलेख से धम्म घोष की जानकारी मिलती है, धम्म घोष की जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, इसकी जानकारी प्राप्त होती है हमें दूसरे और सातवें अभिलेख से, किससे, दूसरे और सातवें अभिलेख से, दूसरे और सातवें अभिलेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है भाई, हमें जो जानकारी प्राप्त होती है इसके
इस अभिलेख से, स्तंभ लेख से, कौन से स्तंभ लेख, सॉरी अभिलेख नहीं, स्तंभ लेख लिखे, स्तंभ लेख लिखे, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, स्तंभ लेख से क्या जानकारी प्राप्त होती है, अर्थात इसके स्तंभ लेख वो 7 माने गए, कितने माने गए, इसके अभिलेख 14 माने गए, कि अभिलेख कितने माने गए, बाद में ये अभिलेखों का निर्माण करवाता है कि अभिलेख क्या, अभिलेख, अभिलेख, अभिलेखों की संख्या जो मानी गई है, अभिलेख कितने माने गए, कि अभिलेख कितने, कि जो अभिलेख है वो 14 है, कितने हैं, जबकि स्तंभ लेख क्या, स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख की संख्या मानी गई है 7, कितनी है, 7 स्तंभ लेख है, 14 क्या है इसके अभिलेख है। यानी कि अभिलेख क्या होता है, सबसे पहले ये भी आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए, सपाट अर्थात 14 अभिलेख के से, अर्थात मान लीजिए ये कोई चट्टान है, क्या है भाई, ये चट्टान है, पूरी चट्टान है, इसका आगे का सिरा सपाट करवा दिया जाता है, अभिलेख किसी, क्या किसे कहते हैं अभिलेख, अभिलेख वो होता है जो किसी सतह पर, कठोर सतह पर अंकित किए गए, लिखा गया जो भी लेख होता है वो अभिलेख कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, पत्थर पर लिखे हुए थे, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, पाषाण अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, तो इस शिला को क्या बराबर करके, क्या बराबर करके, इस प्रकार से पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठवीं लाइन, सातवीं लाइन, आठवीं लाइन, नौवीं लाइन, दसवीं लाइन, 11वीं लाइन, 12वीं लाइन, और ये 13वीं लाइन, ये 14वीं लाइन, इस प्रकार से ये 14 स्तंभ, ये 14 अभिलेख मिलते हैं इसके, क्या इस प्रकार से कितने, 14 अभिलेख है, क्या है, 14 अभिलेख है, अभिलेख है, इस प्रकार से क्या है इसके, 14 अभिलेख है। ठीक है, एक ही जगह ही मिले, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग स्थानों से मिले, लगभग 8 स्थानों से प्राप्त हुए, कितने स्थानों से इसके अभिलेख प्राप्त हुए, 8 स्थानों से, कितने स्थानों से, 8 स्थान से, कहाँ से प्राप्त हुए, कितने स्थानों से प्राप्त हुए, 8 स्थानों से, अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। परंतु ये विशेष रूप से ध्यान रख लेना, क्या अब क्या कंडीशन होती है, 7 अभिलेख और 7 स्तंभ लेख है, स्तंभ लेख का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों, ये भी समझ लो, स्तंभ लेख का मतलब होता है, एक होता है गुहा लेख, एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ लेखों की बात करें, स्तंभ लेख इस प्रकार का एक स्तंभ बना हुआ है, क्या प्रकार का एक स्तंभ बना हुआ है, और इस स्तंभ पर कुछ लेख लिखे गए, क्या लिखे गए, कुछ लेख लिखे गए। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, स्तंभ लेख क्या होता है, एक ये देखिए प्यारे दोस्त, ये स्तंभ लेख आपका, ये तो लिपि हो जाएगी इसकी, इन लेखों की जो लिपि है, सबसे पहले बात करें, चलिए इनके ऊपर चर्चाएं करते हैं भाई, क्या क्या चीजें हैं। ये जो देख रहे हैं प्यारे दोस्तों, ये है ब्राह्मी लिपि, इसकी ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है, इसकी जानकारी मिलती है ब्राह्मी लिपि, ये भी ब्राह्मी लिपि है, क्या है, ये खरोष्ठी लिपि, कौन सी, खरोष्ठी लिपि। ठीक है, और ये है स्तंभ लेख, क्या है ये स्तंभ लेख किसका, अशोक का, क्या है ये अशोक का स्तंभ लेख, क्या है, स्तंभ लेख जो अशोक का देखने को मिलता है, ये स्तंभ लेख है, ये पिलर, ठीक है, 7 पिलर। ठीक है, कहा जाता है इस पर ये लाइन लिखी हुई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अभिलेख मिले, कितने, 7 स्तंभ लेख मिले। अभी बात की थी अपन ने, की बात की थी कितने सभी लेख की जानकारी प्राप्त की थी थोड़ी देर पहले, तो ये 7 अभिलेख देखे थे, अर्थात स्तंभ लेख, स्तंभ लेखों की बात करें तो इस तरीके से हमने बात की थी प्यारे दोस्तों। ये स्तंभ एक बड़ा सा स्तंभ बना हुआ, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है कुछ, क्या, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो इसे कहा जाता है स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख, सप्त, ये 7 थे, तो क्या कहा दिया गया अभी इसको, 7 स्तंभ लेख, क्या कह दिया गया, ये था अशोक के स्तंभ लेख, क्या था ये, स्तंभ, स्तंभ लेख। ठीक है, स्तंभ लेख। अब इसके लेखों में जो लिपि का प्रयोग हुआ है प्यारे दोस्तों,
इसके लेखों में लिपि का जो प्रयोग हुआ है, लिपि की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर लिपि का जो प्रयोग किया गया, लिपि का प्रयोग किया है इसके लगभग 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। कितनी लिपियों का प्रयोग किया जाता है? 4। कितनी लिपियों का भाई? 4 लिपियों का प्रयोग किया जाता है। एक तो ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि, किसकी बात कर रहे हैं? लिपि। और ये लिपि कौन कौन सी थी भाई? एक तो ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि। दूसरी खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी, कौन सी? खरोष्ठी लिपि। तीसरी अरामाई, कौन सी? अरामाई, ये अरामाइक लिपि। अर्थात इस प्रकार से इन लिपियों का प्रयोग किसके लिए किया गया है भाई? अशोक के स्तंभ लेखों के लिए कहा जाता है, इन अभिलेखों में प्रयोग किया गया है, ठीक है, अरामाइक लिपि। और एक और बात करें तो ग्रीक लिपि, कौन सी? ग्रीक लिपि, कौन सी लिपि? ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया भाई? ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये 4 लिपियों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे चलकर और बातें करेंगे इनकी, ठीक है, तो थोड़ा सा और जानकारी आप पहले उन चीजों के बारे में प्राप्त करते। चलिए पीछे वाली लाइन, जहां देखिए इस प्रकार से इनके स्तंभ लेख मिले, ये सारी चीजें जानकारी प्राप्त कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, क्या जानकारियां हमें मिलती है प्यारे दोस्तों, किससे संबंधित जानकारी, इससे संबंधित और जानकारियां प्राप्त करते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि इसके अभिलेख से जो जानकारी मिली है हमें, ठीक है, क्या क्या जानकारी मिली है भाई, ठीक है, दूसरे और सातवें स्तंभ लेख से हमें जानकारी मिलती है। और बात करें कल्लण की राष्ट्रंगिणी के अनुसार अशोक ने झेलम के किनारे, ठीक है, किसके अनुसार भाई? कल्लण की एक ग्रंथ हुआ था, कल्लण का राजतरंगिणी नामक ग्रंथ हुआ था, और उस ग्रंथ के अनुसार कल्लण की राजतरंगिणी, कल्लण की राजतरंगिणी में ये उल्लेख किया है अशोक, क्या किया है कि झेलम के किनारे इसने श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर जो नगर है आपका, उसकी स्थापना करने वाला कौन था, इसका संस्थापक कौन माना जाता है? अशोक को माना जाता है। इसको माना जाता है भाई, ये कल्लण की राज तरंगिणी में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है भाई? कल्लण की राज तरंगिणी में, इसको लिखते हैं, चलिएगा। और बात करें, ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है, कल्लण की राज तरंगिणी, कौन? कल्लण की राज तरंगिणी, कल्लण की रचना है भाई, कल्लण की जो रचना है राज तरंगिणी, कल्लण की राज तरंगिणी ग्रंथ है, मैं हमें जानकारी प्राप्त होती है, हमें जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने झेलम नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर, कौन से नगर? श्रीनगर की स्थापना की, स्थापना की इसके द्वारा जानकारी दी जाती है भाई, ये कल्लण की राजतरंगिणी ग्रंथ के द्वारा हमें जानकारी दी जाती है। और क्या जानकारी मिलती है भाई? ये भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। क्या माना जाता है? अर्थात ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब स्टेप बाय स्टेप से इसी में लिखा हुआ है, अर्थात सिस्टम से जो सनवाइज जो लिखा गया है, जो इतिहास लिखा गया वो इसी में सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में मिलता है हमें, कौन सी? कल्लण की राजतरंगिणी। कारण इसे क्या कहा जाता है भाई? भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठीक है, चलिए तो इस चीज को लिखें, चलिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजतरंगिणी
राजतरंगिणी को भारत का प्रथम, भारत का प्रथम ऐतिहासिक ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रंथ माना जाता है, माना जाता है। और इसी में इतिहास को क्रमबद्धता से लिखा गया। क्या लिखा गया है भाई? इसी में इतिहास को किस लिखा गया है? क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया है। इसी ग्रंथ में इतिहास इतिहास को इसी ग्रंथ में इतिहास को क्रमबद्ध क्रमबद्ध रूप से तरीके से लिखा गया है, लिखा गया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस ग्रंथ में इतिहास को या भारतीय इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। और ऐसा प्रयास कहाँ किया गया है? ऐसा प्रयास कहाँ किया गया है? राजतरंगिणी ग्रंथ में किया गया, ये जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। किसका इतिहास लिखा हुआ है इसमें? इस ग्रंथ में कश्मीर का, किसका? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है, इतिहास है इस ग्रंथ में। क्या है? कश्मीर का इतिहास है इसमें। क्या है इस ग्रंथ में? राजतरंगिणी में क्या है, किसके बारे में जानकारी देता है? ये कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। समझ में आ गया? तो ये किसके बारे में जानकारी प्राप्त की हमने? राजतरंगिणी के बारे में। करलन की राजतरंगिणी में हमें कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ये जानकारी हमें करलन की राजतरंगिणी से मिलती है। राजतरंगिणी को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, इसमें इतिहास को क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये इतनी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब बात करें, नेक्स्ट बात करें तो प्यारे दोस्तों, क्या अब क्या कंडीशन होती है? अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। किसने? अशोक ने। और अशोक ने बौद्ध धर्म किया था निग्रोथ नामक बालक से। इसने अशोक ने किसकी? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? अशोक ने निग्रोथ नामक बालक से किसकी ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, या बौद्ध निग्रोथ नामक भिक्षुक से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के पश्चात कहा जाता है इसके बाद इसने उपगुप्त से भी दीक्षा ली। इसके बाद भी इसको संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद इसने मोगलीपुत्र तिस्से की शरण में चला गया और पूर्ण रूप से अपने आप को बौद्ध घोषित कर दिया। किसकी से? तो सबसे पहले अशोक ने किस किस से भी ली, सबसे पहले जानकारी प्राप्त करें। यहां पर देखिए कि क्या कंडीशन प्यारे दोस्तों, तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त भिक्षुक से ली। उपगुप्त पहली बार किससे ली? पहली बार दीक्षा पहली बार किससे ली? निग्रोथ नामक भिक्षु से। निग्रोथ नामक भिक्षु से। ये क्या था? एक भिक्षु था, भिक्षु निग्रोथ नामक भिक्षु से क्या ली थी? निग्रोथ नामक से भिक्षु से ली। और दूसरी बार जो भिक्षा ली थी इसने, वो कहा जाता है वो किससे ली थी? उपगुप्त से। और तीसरी बार की बात करें कब प्यार दोस्तों, तीसरी बार और उसके बाद तीसरी बार मोगलीपुत्र तिस्से से। और उसके बाद क्या किया? अपने आप को पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म का घोषित कर दिया। पूर्ण रूप से
बौद्ध धर्म का घोषित कर दिया, क्या कर दिया, घोषित कर दिया। ठीक है, किसने, अशोक ने अपने आप को, अर्थात यहां इसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। पहली बार निग्रोत नामक एक बालक था, ये भिक्षु था, इससे हमें जानकारी मिली, लिए बौद्ध भिक्षा ली, उसके बौद्ध दीक्षा ली, उसके बाद इसने किससे ली थी, उपगुप्त से ली, उपगुप्त से लेने के पश्चात मोगली पुत्र तिष्य के प्रभाव में आकर, या इसमें कहा जाता है कि पूर्ण रूप से बौद्ध बना दिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या होती है प्यारे दोस्तों, ये तो इस तरीके से मोगली पुत्र तिष्य से इसने पूर्ण रूप से दीक्षा ले ली। इसके बाद बात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, जब ये बौद्ध बन गया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने अपने पुत्र महेंद्र, इसको अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री कौन थी, संगमित्रा, कौन थी भाई, संगमित्रा। ठीक है, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था, कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। और इन्हीं के साथ में क्या भेजी थी, एक बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष को कटाने का श्रेय इसी को जाता है। पहली बार इसी के द्वारा एक टहनी कटवाई गई थी, उस टहनी को कटवाकर इसके साथ, किसके साथ, महेंद्र और संगमित्रा के साथ कहा जाता है, कहाँ भेजा था इसको, कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा था, याद रखिएगा। इसके लिए कहा जाता है कि वहां भी बोध का विकास हो या बोधि वृक्ष का विकास हो, इसलिए भेजा था। अब कंडीशन क्या होती है, दूसरी बार इसकी पत्नी जो होती है तिसे रखा, ये उसके द्वारा इसको कटवा दिया जाता है, किसको, बोधि वृक्ष को कटवा दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये चल जाता है, इसकी टहनी कटवाती है भी। और उसके बाद एक शशांक नामक शासक होता है, कौन होता है भाई, यहाँ पर शशांक नामक शासक होता है, ये पूरा उखड़वा देता है, इसको पूरा कटवा देता है, लेकिन फिर उग जाता है ये। और फिर उग जाने के पश्चात लगभग आ जाता है, लेकिन एक बार क्या होता है, भयंकर क्या होता है, भूकंप आता है, भूकंप या एक बवंडर आता है, उस कारण कहा जाता है कि ये पूरा टूट जाता है, तहस नहस हो जाता है, उसके बाद ये नहीं उग पाता। कौन सा, बोधि वृक्ष, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होता, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि बाद में आगे चलकर अलेक्जेंडर कनिंगम होते हैं, कौन, अलेक्जेंडर कनिंगम, जो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहलाते हैं, वो 1730 के आसपास, कब प्यारे दोस्तों, 1730 के आसपास, कहाँ से, श्रीलंका से बोधि वृक्ष की टहनी मंगवाते हैं, और टहनी मंगवा कर जहां पर बोधि वृक्ष था वहां पर दोबारा लगवा देते हैं, और दोबारा लगवा देने के पश्चात आज भी बोधि वर्ष वहां पर, बोधि वृक्ष यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो बोधि वृक्ष बुद्ध के स्थान पर लगा हुआ है, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर लगा हुआ है, आज भी स्थित है। तो पूरी का पूरा मैंने बोधि वृक्ष को किसने कटवाया, किसने नहीं कटवाया, कैसे होगा, ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी। आगे बात करते हैं, तो क्या जानकारी है, देखिए सबसे पहले ध्यान दें, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक अशोक अपने पुत्र महेंद्र महेंद्र व पुत्री संगमित्रा, कौन थी भाई, संग मित्रा को, संगमित्रा को कहाँ भेजता है भाई, संगमित्रा को श्रीलंका भेजता है, कहाँ भेजता है, श्री लंका भेजता है। ठीक है, इनके साथ, इनके सॉरी भाई, इनके साथ बोधी वृक्ष, बोधि वृक्ष की टहनी, टहनी भी भेजता है, टहनी भेजता है। ठीक है, कहाँ भेजता है, श्रीलंका। ठीक है, इसके साथ क्या, वो बोधि वृक्ष की टहनी भेजता है, क्या भेजता है भाई, बोधि वृक्ष की एक टहनी या एक डाल भेजता है, कहाँ पर, श्रीलंका में, श्रीलंका में, अर्थात बोधि वृक्ष की टहनी इनके साथ भेजता है। अब क्या कंडीशन होती है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि, अब हमें जानकारी मिलती है कि ये जो अशोक इन दोनों को छोड़ने के लिए कहाँ तक गया था,
कहां तक अशोक इनको छोड़ने के लिए गया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, क्या देखा था भाई, देखिए ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक यहां तक गया, अर्थात अशोक इनको छोड़ने के लिए कहां तक आया था, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक आया था, ये बंदरगाह, और जहां से इनको बिठा दिया गया जहाज में, और बाद में ये चले गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आए नहीं वापस, कुछ कहते हैं आ गए वापस। तो कहा जाता है प्यारे दोस्तों कि जहां तक ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक ये छोड़ने आया था, कौन, अशोक। इनको इनके दोनों पुत्र और पुत्री को कहां जा रहे थे, ये श्रीलंका जा रहे थे, किसका प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे थे। तो ये अशोक कहां तक, ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया था। अशोक इनको पुत्र व पुत्री को, पुत्री को ताम्र लिप्ति, लिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया था, छोड़ने गया था, कहां तक छोड़ने गया था भैया, जब ये बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जा रहे थे, वहां पर बौद्ध धर्म की अलग जगाने के लिए जा रहे थे, कहां तक छोड़ने गया था, ये कहा जाता है कि यहां तक ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक छोड़ने गया था अशोक, किसको, अपने पुत्र और पुत्री को, याद रखना। अब कहा जाता है कि अशोक की पत्नी तिश्य, तिशा राखा या तिश्य रक्षिता जिसे कहते हैं, उसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और क्या जानकारी मिलती, इस समय जब ये गए थे, इस समय श्रीलंका का शासक, श्रीलंका का कहाँ का भाई, श्रीलंका का शासक, श्रीलंका का शासक कौन था, श्रीलंका का शासक कौन था इस समय, तिश्य था, कौन था भाई, तिश्य, कौन था इस समय श्रीलंका का शासक, तिश्य हुआ करता था जिसके पास ये गए थे, ये भी ध्यान रखना है आपको। और बात करें जहां पर, यहाँ पर क्या जानकारियां प्राप्त होती है भाई, यहाँ पर जो जानकारी प्राप्त होती है हमें प्यारे साथियों, जो जानकारी देखिए, क्या देखिएगा, कंडीशन क्या है, अब यहाँ पर जो है, जो बोधि वृक्ष था, इसकी पत्नी किसकी बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, तिशा राखा, अशोक की पत्नी, अशोक की पत्नी तिशा राखा, तिशा राखा ने बोधि वृक्ष को, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, कटवा दिया था, अभी बात की थी किस किसने कटवाया, ये सारी बातें हम कर चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने सारी बातें कर ली थी, किसने किसने कटवाया, किस किसने नहीं कटवाया, सारी चीजें हम देख चुके हैं। बोधि वृक्ष को कटवाने वाली कौन थी भाई, तिशा राखा, और तिशा राखा के द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था, ये ध्यान रखना है। चलिएगा प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, क्या जानकारी मिलती है हमें, तो ये सारी जानकारी हमें इस प्रकार से मिलती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके अभिलेखों, किसके, मौर्यकालीन साहित्य की बात करें या अभिलेखों की, सॉरी अभिलेखों की बात करते हैं या कला की बात करते हैं, मौर्यकालीन कला, मौर्यकालीन कला, सॉरी भाई, मौर्य कालीन कला, मौर्य कालीन कला, मौर्य कालीन कला, मौर्य कालीन कला की जानकारी हम प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले अभिलेख की बात करें, अभिलेख अर्थात अभिलेख क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जानकारी है, अभिलेख किसी भी सतह पर लिखा हुआ जो अंकित या किसी भी कठोर सतह पर लिखा गया लेख क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है, क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है। अभिलेखों की खोज कहा जाता है 1750 ईस्वी में, इस अभिलेखों की खोज की गई, खोज किसकी बात करें, खोज इन अभिलेखों की जो खोज की गई 1750 ईस्वी में, कब की गई भाई, 1750 ईस्वी में इसके अभिलेखों की खोज की गई। अब खोज किसके द्वारा की गई भाई, किसने की खोज, टिपेंथलर ने की, किसने की, टिपेंथलर ने, किसने की, किसने की,
किसने की और किसने की, तो टी फेंटलर, किसने की, टी फेंटलर, किसके द्वारा की भाई, टी फेंटलर के द्वारा इसके अभिलेखों की खोज की, किसकी खोज की भाई, इसके अभिलेखों की खोज की कि भाई अशोक के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए थे। ऐसी जानकारी हमें कब प्राप्त हुई, सर्वप्रथम 1750 में जानकारी प्राप्त हुई, और 1750 में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर टी पेंथलर ने, और टी पेंथलर ने खोज करने के पश्चात पर दोस्तों क्या कंडीशन होती है, इसने खोजा जो कहाँ खोजा भाई, यहाँ पर दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा, पहले किसको खोजा इसने, सर यहाँ पर लिख, सबसे पहले इसने खोजा दिल्ली मेरठ अभिलेख को, स्तंभ लेख को, क्या खोजा भाई इसने, सबसे पहले किसको खोजा, सबसे पहले खोजा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को, सबसे पहले किसको खोजा, सबसे पहले दिल्ली मेरठ अभी स्तंभ लेख को खोजा, किसको खोजा इसने, सबसे पहले दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को खोजा, किसके द्वारा खोजा गया भाई, इसके द्वारा, ठीक है, टी फेंटलर के द्वारा खोजा गया दिल्ली और मेरठ। कहा जाता है इसको पढ़ने का प्रयास किया गया और इसको पढ़ा गया 1837 में, कब पढ़ा गया, इसको पढ़ने का प्रयास किया गया और 1837 में, कब 1837 में इसको पढ़ने की सफलता प्राप्त करने वाला कौन था, पढ़ने वाला, ठीक है, इसको 1837 में पढ़ा गया, ठीक है, पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई, सफलता मिली, और सफलता किसे मिली भाई, जेम्स प्रिंसेप को, किसको मिली, जेम्स प्रिंसेप को, किसको, जेम्स प्रिंसेप, किसको सफलता मिली, इसको पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, कब 1837 में, तो 100 साल बाद, लगभग 100 साल के बाद इसको पढ़ने की सफलता हासिल की गई, लगभग 100 साल की उम्र थी, तो उससे भी कम मान लेते थोड़े, ठीक है, लगभग 80 यानी कि 90 साल तो हुए रहे, यानी कि ठीक है, लगभग 90 साल के आसपास के बाद इसको पढ़ने का प्रयास, जो पढ़ने की सफलता प्राप्त की, याद रखिएगा, किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने, कौन से अभिलेख को पढ़ा, ठीक है, कौन से अभिलेख को पढ़ा, तो दिल्ली टोबरा अभिलेख को, किसने, कौन से अभिलेख को, कौन से को पढ़ा इसने, कौन से अभिलेख को पढ़ा इसको, दिल्ली, कौन से, दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली और टोपरा, कौन सा, दिल्ली टोपरा, इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को इसने पढ़ा, दिल्ली टोपरा अभिलेख को, अभिलेख को, लेख को पढ़ा, किसको पढ़ा भाई इसने, सर्वप्रथम दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था, ठीक है, अर्थात पढ़ने की कोशिश की थी, कौन से अभिलेख को पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने, पढ़ने में सफलता हासिल की थी, कब की थी, 1837 में, और कौन से को पढ़ा, दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा, ठीक है, ये वर्तमान में कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, कहां पर लाए गए थे ये, यहां पर लाए गए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, ये दिल्ली में लाकर रखवा दिए गए, और अभी दोनों लेख कहां पर है, दिल्ली में ही रखे, कहां पर है, दिल्ली में ही रखे हुए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कहा जाता है कि यहाँ पर दिल्ली में लाए गए थे, ये याद रखना है। चलिए इनकी बात करें तो ये तो अभिलेख तो प्राप्त हो गए, अब बात करें तो लिपियों की बात करें इसकी, तो लिपियों के बारे में भी जिक्र ही कर रहे थे अपन, क्या जिक्र कर रहे थे भाई, लिपि, हाँ ये लिपि, लिपि के बारे में देखिए, स्तंभ लेख, और स्तंभ लेख कैसा होता है, इस तरीके का, अर्थात एक स्तंभ गढ़ा हुआ है, इस स्तंभ के ऊपर क्या लिखा हुआ है, लेख लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे, स्तंभ लेख, ठीक है। इस लिपि की बात कर रहे थे, लिपि कौन कौन सी हमने देखी थी, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और ग्रीक लिपि, ये चार लिपियों की हमने बात की थी, कितनी लिपियों की बात की थी भाई, चार लिपियों की बात की थी। कहा जाता है ग्रीक और अरामाइक ये यूनानी लिपियां हैं, क्या है भाई, यूनानी लिपियां हैं, ये क्या है, ये दोनों को क्या मानी जाती है, यूनानी लिपियां हैं, यूनानी लिपि मानी जाती है, कौन सी लिपि मानी जाती है, ये यूनानी लिपि मानी जाती है, कौन सी लिपि मानी जाती है, ये यूनानी लिपि मानी जाती है, जो उर्दू की तरह लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, उर्दू की तरह की तरह लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है भाई, उर्दू की तरह लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है, ये उर्दू की तरह लिखी जाती है। जबकि यहाँ पर बात करें लिपि कौन सी, ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि है ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, ये कैसे लिखी जाती है, ये बाएं से
दाएं लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, जबकि खरोष्ठी लिपि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी? खरोष्ठी की बात करिए, ये दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है, ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, और अरामाई की उर्दू की तरह लिखी जाती है। किसकी तरह लिखी जाती है? उर्दू की तरह लिखी जाती है। तो ये लिपियों का ज्ञान हो गया। ये ब्राह्मी लिपि इस तरीके से दिखती थी। ये कौन सी लिपि है भाई? यहाँ पर ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ये ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से, ये ब्राह्मी लिपि है। इसके अक्षर अपन को समझ में नहीं पड़ रहे। ये खरोष्ठी लिपि है, इधर इधर ये खरोष्ठी लिपि है। ये कौन सी लिपि है? खरोष्ठी लिपि। ये खरोष्ठी लिपि है। कौन सी लिपि है? ये खरोष्ठी लिपि है, इधर ब्राह्मी लिपि है, और ये इस स्तंभ लेख वाली लिपि है। कौन सी लिपि? ये स्तंभ लेख वाली लिपि है। आगे बात करें, देखिएगा क्या जानकारी प्राप्त होती है। और बात करें, यहाँ स्तंभ लेख, ये यहाँ भी है, ये स्तंभ इस प्रकार से, ये सारनाथ का स्तंभ है भाई, ये सारनाथ का स्तंभ। और सारनाथ के स्तंभ की बात करें, एक ये अलग अलग प्रकार के स्तंभ बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट जो जानकारी प्राप्त करते हैं भाई, नेक्स्ट क्या जानकारी प्राप्त करते हैं हम यहाँ की, किसकी हुई? थोड़ी सी ये देख ले, भाषा की बात करें यहाँ की, अर्थात मौर्य काल की जो भाषा थी, मौर्य काल की भाषा की बात करें तो मौर्य काल की भाषा हुआ करती थी वो थी प्राकृत भाषा। मौर्य काल की भाषा की बात करें तो मौर्य काल की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा। कौन सी थी? मौर्य काल की भाषा। और मौर्य काल की भाषा कौन सी हुआ करती थी वही प्राकृत भाषा, याद रखिएगा। चलो यहाँ लिख देता हूँ, भाषा की बात करें, भाषा कौन सी होती थी? प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा हुआ करती थी? प्राकृत भाषा, या संस्कृत भी का भी उल्लेख कई बार मिलता है वैदिक साहित्य में। यहाँ पर प्राकृत भाषा का बोला जाता था। कौन सा भाषा का प्रयोग किया करता था? बोलने के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे बात करें, आगे इन अभिलेखों की बात करें, अभिलेख किस प्रकार से, मैंने आगे बताई दिया आपको किस प्रकार से लिखे जाते हैं, किस प्रकार से नहीं लिखे जाते। और इसकी बात करें स्तंभ लेख की, किसकी बात करें? स्तंभ लेख की, ये ऊपर वाला भाग ये इस तरीके से हुआ करता था। ठीक है, और इस प्रकार से स्तंभ लेख, सॉरी भाई, इस प्रकार का स्तंभ हुआ करता था। और इस स्तंभ पर देखिए, स्तंभ पर कुछ लिख दिया जाता था भाई। ठीक है, क्या कुछ लिख दिया जाता था? स्तंभ है और इस स्तंभ पर, इस पे नहीं लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ स्तंभ पाने के पास नहीं है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं, जाता है था। ये तो सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उसके बारे में जानकारियां हैं। ये भी देख लें आप क्या क्या जानकारियां हमें इसके बारे में और क्या क्या कहा जाता है भाई, ये थोड़ा सा देख लें क्या क्या जानकारियां मिलती है, सारी जानकारियां हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। ये अशोक का स्तंभ लेख है। ठीक है, और इसके यहाँ पर क्या क्या जानकारियां मिलती है, ये सारी जानकारियां हम देख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो कहा जाता है कि इसमें, किसमें, या अशोक से संबंधित सारी जानकारियां लगभग हमने एकत्रित कर ली है। और ये देखिए अशोक का स्तंभ लेख, अशोक का स्तंभ लेख यही माना जाता है, कहा जाता है अशोक का सारनाथ स्तंभ। कौन सा? सारनाथ स्तंभ। सारनाथ स्तंभ को भारत का क्या माना गया है? प्रतीक चिन्ह माना गया है। क्या माना गया है? भारत का प्रतीक चिन्ह माना गया है। क्या माना गया है भाई? भारत का प्रतीक चिन्ह माना गया है। क्या माना गया है? भारत का प्रतीक भारत का क्या माना गया है इसको? प्रतीक चिन्ह माना है। किसको? सारनाथ स्तंभ को क्या माना गया है? भारत का प्रतीक चिन्ह माना गया है, यह ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखिएगा सारनाथ स्तंभ को भारत का प्रतीक चिन्ह माना गया है, और कहा जाता है कि यही सारनाथ स्तंभ है। और देखिए मैं फोटो बताता हूँ इसका, यहाँ पर देखिएगा ये कुछ लिपियां हैं, ये खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है, कुछ लिखे हुए हैं इनके ऊपर, ये सिक्के टाइप के बने हुए हैं, और इन पे क्या लिखे हुए, ये लिपियां लिखी हुई, तो ये भी जानकारी आप प्राप्त कर ले। इसका चित्र बना हुआ है, अलग अलग व्यक्तियों की तरफ बने हुए चित्र है ये। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये आपका ये लिपियां हैं, ये कहा जाता है कि ये प्राकृत भाषा की लिपियां, और ये आपका हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ।
और इस अशोक स्तंभ को क्या कहते हैं भाई, हम कहते हैं क्या कहते हैं भाई, भारत का प्रतीक चिन्ह, क्या कहते हैं भाई, भारत का प्रतीक चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं हम, भारत का प्रतीक चिन्ह कहते हैं। और भारत के प्रतीक चिन्ह को कहाँ से लिया गया है, भारत के प्रतीक चिन्ह को हमें लिया गया है कहाँ से, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, कहाँ से लिया है भाई, सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया है, जिस पर कहा जाता है इधर घोड़ा, इधर बेल और उसके पीछे शेर, हाथी, किस किस का चित्र बना हुआ है यहाँ पर, एक तो घोड़ा, कौन कौन से चित्र बने हुए हैं यहाँ पर, घोड़ा, क्या क्या बने हुए भाई यहाँ पर देखिए, तो घोड़ा, एक तो घोड़ा, हाथी, शेर, शेर और बैल, ये इन पशुओं के चित्र बने हुए हैं इस पर, और जिनके बीच में क्या लिखा हुआ है आपका अशोक चक्र, क्या लगा हुआ है बीच में, अशोक चक्र, जिसमें 32 तीलियां हुआ करती थी, कितनी तीलियां वहां पर, कितनी थी 32 तीलियां हुआ करती थी, लेकिन हमने कितने को स्वीकार किया है, 24 को, अपने अशोक स्तंभ में जो हमारा ये सत्यमेव जयते हैं, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, कहां से लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, हमने बात की है कि भारत का प्रतीक वाक्य जो सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और कहा जाता है कि यहां पर इस चक्र में कितनी तिलियां हैं, 32, कितनी है 32 तिलियां थी, और 32 तिलियां के भारत के प्रतीक चिन्ह में, इसमें भारत के प्रतीक चिन्ह में, भारत के प्रतीक चिन्ह में कितनी है, भारत के प्रतीक चिन्ह में कितनी है भाई, 24, कितनी है तो कम कर दिया गया, भारत के प्रतीक चिन्ह में कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां है, कितनी 24 तिलियां हैं, तिलियां हैं, ठीक है, कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, अर्थात ये जो लाइनें दिख रही है बारीक बारीक इस तरीके की, ये लाइनें दिख रही है आपको, ये लाइनों की संख्या कितनी है, जहां पर लाइनों की संख्या है 24, जो भारत का अशोक स्तंभ है यानी कि प्रतीक चिन्ह बनाया गया है उस पर 24 रखी गई है, 24 तिलियां 24 घंटों के प्रतीक है, और 24 घंटे अर्थात हमारा भारत 24 घंटे यानी कि दिन में 24 ही घंटे होते हैं, 24 घंटे प्रगति के पथ पर बढ़ता रहे, ऐसी मान्यता समझकर 32 के स्थान पर कितनी तिलियां को स्थान दिया गया है भाई, 32 तिलियों के स्थान पर 24 तिलियों को स्थान दिया गया है भारत के प्रतीक चिन्ह में, याद रह जाएगा। ये सारनाथ का स्तंभ कहां से लिया गया, सारनाथ का एक अशोक स्तंभ है, ये सारनाथ का स्तंभ, अशोक स्तंभ जिसके बारे में कहा जाता है, तो क्या कहा जाए, 9620 किलोग्राम वजन है इसका, कितना वजन है, 9620 किलोग्राम, 500 किलोग्राम तो इसकी बुनियाद का वजन है, किसका, ऊपर ऊपर का ढांचे का वजन है, 5 महीने इसको बनाने में वक्त लगा, 40 लोगों ने मिलकर इसमें को तैयार किया, 2 महीने तक स्थापित करने में लगे, अर्थात इसको किस तरीके से लगाएं, ऐसे लगाएं, इनको शेरों को कैसे बिठाएं, इसमें ये 4 शेर बैठे हुए, कितने शेर है, 4 शेर पीठ सटाए हुए बैठे गए, 4 शेर पीठ सटाए हुए बैठे गए, कितने शेर बैठे हुए हैं, 4 शेर पीठ सटाए बैठे हुए हैं, और कहा जाए 150 टुकड़े जोड़कर, कितने टुकड़े, एक एक टुकड़ा जोड़ जोड़ कर इस प्रकृति को स्थापित किया गया था, और ये किसका, 90% तांबे का इस्तेमाल हुआ है इसमें, किसका, 90% तांबे का इस्तेमाल हुआ है, और बात करें 6.5 मीटर का राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई है, ये अपना राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या ये राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई कितनी है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह की ऊंचाई कितनी है, अशोक स्तंभ से जो लिया गया है इस राष्ट्रीय चिन्ह का, ये सारा किसका, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, यहाँ लिख रहा है ये प्रकृति के बारे में कहा जाता है, ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, हमारा राष्ट्रीय या भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, कहाँ का, भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, याद रह जाएगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशोक स्तंभ से ये लिया गया है, इस पर अलग अलग ये शेर दिख रहा है, ये यहाँ पर शेर दिख रहा है, पीछे वाली आकृति में हमने देखा था, ये इसी प्रकार से लिया गया है, ये देखिएगा, ये अशोक स्तंभ का ये फोटो है, इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, ये लकड़ी का बना हुआ है, किसी पेंटर के द्वारा, इसका कारपेंटर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इस प्रकार से स्तंभ हुआ करते थे भाई, ठीक है, ये लिपि का चित्र या स्तंभ लेख का चित्र जो आपने अच्छे से समझ लिया, समझा दिया मैंने, ये स्तंभ पर लिपि लिखी हुई है, इस कारण इसे स्तंभ पर लिखे गए लेखों को स्तंभ लेख कहते हैं, गुहा पर लिखे हुए अर्थात गुफा पर लिखे हुए लेखों को गुहा लेख कहते हैं, क्या कहते हैं, गुहा लेख, गुहा लेख क्या होते हैं भाई, गुफा पर,
प्रकार से ये आपकी इस तरीके से गुफा है, क्या है भाई ये गुफा है, ठीक है, इस गुफा का ये दरवाजा है, क्या है ये गुफा है, इस गुफा का ये दरवाजा है, इस दरवाजे पर सपाट किया क्या जाता है इसको, ये पहाड़ी में गुफा बनी हुई है, इस पहाड़ी में क्या है, इस दरवाजे को सपाट करवा दिया जाता है आगे के सिरे को, और यहाँ पर कुछ लिख दिया जाता है, इसे एक दो लाइनें लिख दी जाती है, इनको कहते हैं गुहा लेख, क्या कहते हैं इनको गुहा लेख, गुहा लेख की जानकारी प्राप्त होगी, स्तंभ लेख की जानकारी प्राप्त होगी, और ये सभी प्रकार के हमें लेखों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है भाई, अशोक के द्वारा लेखों की, अशोक को लेखों का निर्माता भी कहा जाता है, अशोक के द्वारा क्या क्या इस स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया जाता है, याद रखिएगा फिर दोस्तों। और मौर्य साम्राज्य में कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक पूर्ण होता है 232 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, अशोक की, उसके बाद इसके अलग अलग कहा जाता है कि शासक आते हैं लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता, अंतिम मौर्य काल का अंतिम शासक माना जाता है वृत्तरथ, कौन माना जाता है मौर्य काल का अंतिम शासक, किसको माना जाता है मौर्य काल का, किसका प्यारे दोस्तों मौर्य काल का या मौर्य राजवंश का, मौर्य वंश का, इसलिए मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ को माना जाता है, वृद्धरथ वृद्धरथ को माना जाता है, वृद्धरथ को माना जाता है, ठीक है। और 185 ईस्वी पूर्व, 185 ईस्वी पूर्व शिशुनाग, कौन ईस्वी पूर्व शिशुनाग, कौन शिशुनाग, इसकी हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना क्या कर देता है, तो ये जो वंश चलता है कहां तक चलता है, ये इसकी हत्या कब हो जाती है, 185 ईसा पूर्व इसकी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है, और इसके बाद यहाँ पर कौन सा अलग वंश का मगध में ये अंतिम शासक माना जाता है, इसकी हत्या कब हो जाती है, वृद्धरथ की 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या हो जाती है। ये था आपका मौर्य काल प्यारे दोस्तों, अशोक के बारे में हमने काफी कुछ जानकारियां प्राप्त की, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जुड़े रहिए डीजे सर क्लासेस के साथ और ऑनलाइन क्लासों के साथ, जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया अगर वो लाइक कर दें, और जिसने शेयर नहीं किया है शेयर कर दें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर ले प्यारे दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए हमारे लिए नहीं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं हमारी नहीं, हम आपके लिए ये सब कुछ लेकर आ रहे हैं, तो आपका फायदा होने वाला है किसी न किसी प्रकार से, आप इन छोटी छोटी चीजों को लेकर कहा जाता है एक इमारत के ऊपर पहुंच जाएंगे सीढ़ियों पर, तो इन सीढ़ियों के माध्यम से कहां पर हमारी इमारत तक यानी कि छत तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और आपका जज्बा ऐसा होना चाहिए, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हम तो राहगीर वो है जो रास्ता हमें खुद बनाना है, क्या बनाना है भाई, हम तो राहगीर वो है जो रास्ता खुद बनाना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है, और वो मंजिल कौन सी होगी, और रास्ता होगा आपका परिश्रम का, मेहनत का, और अंतिम सक्सेस मिल जाएगी वही आपकी होगी सफलता, वो आपकी मंजिल होगी प्यारे दोस्तों। तो याद रखें और पढ़ते रहें, जुनून के साथ जुड़े रहें डीजे सर क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जुनून और जोश के साथ प्यारे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।